इतना फिट और फ्यूरी शरीर गुस्से की हालत में, शरीर गुस्से की हालत में ये वीडियो है, ये आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है। इसका सेंटेंस भी बनाएंगे जब एक्सरसाइज करेंगे, ऐसे इसको नोट कर लें। इन अ फिट ऑफ फ्यूरी शरीर गुस्से की हालत में हेडिंग रुक गया। आमतौर पर इंसान का जो सर होता है उसको हेड कहा जाता है, तो इंसान का हेड जिस तरफ रुक करता है, इंसान चलता जिस तरफ है, ये नहीं कि आपका मुंह उस तरफ है और आप पीछे को जा रहे हैं, ऐसे नहीं। तो उनके घर का रुक किया क्या मतलब, उनके घर की जाने क्या चल गए पता करने के लिए, यहाँ से पता लगने को कहाँ भी और डायकोन कितने गया मतलब रुको के सिटी के घर का, तो यहाँ हैडिट के तरफ का रुक किया, उनके घर की तरफ रुक किया नहीं, उनके घर की तरफ वो गए टूवर्ड्स की तरफ वायलेंटली शिद्दत के साथ जोर जोर से। मान लो हमारा दरवाजा नहीं जोर जोर से खटखटाया, थोड़ा गड़बड़ का एहसास होता जैसे कोई लड़ने की चीज, दरवाजा तो जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। एड्रेसिंग मुखातिब होकर डिमांडिंग, वैसे तो मतलब तकाजा करना, लेकिन यहाँ मुराद ने पूछा, यहाँ मुराद ने पूछा पोलाइटली नरमी के साथ। रिस्पॉन्स जवाब विजडम दानाई या अकलमंदी दोनों में से, करेज हिम्मत या बहादुरी, स्टेटमेंट बयान, क्यू इशारा, पोस्ट आंसर क्वेश्चन जवाबी सवाल कर देना, अनजान बनते हुए सवाल कर देना, अच्छा मुझे नहीं पता कब आया था, अरे पता आपको होता है बिना पता क्या अच्छा कब आया था, इस तरह करके जवाब दें, जवाबी सवाल कर देना। इसलिए गुस्सा दिलाना, स्लैप थप्पड़ मार दिया, एयर रिंग कान की बारी, जैसे आमतौर पर छोटे बच्चों में औरतों के कानों में चुपके से बारियां पहनी होती है, वो उनकी बारी फेल ऑफ गिर पड़ी, कान की बारी होती है, थप्पड़ लगाया कान की बारी नहीं, स्टेडफास्ट साबित कदम, टकमगाई नहीं डरी नहीं आए नहीं, रिवील जाहिर करना सीक्रेट राज। तो ये तो थे पैराग्राफ 4 के मुश्किल अल्फाज के मानी। अब हम आते हैं इसके तर्जुमे, हमारा ध्यान आपको फोकस करके लिखा है जी और इसकी तरफ हम आएंगे। वो कहते हैं कि ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, हिजरत की रात, नाइट कहते हैं रात, माइग्रेशन हिजरत, अ ट्राइबल चीफ, एक कबाइली सरदार ऑफ द डिसबिलीवर्स काफिरों का, अबू जहल नाम ही बता दिया, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी शरीर गुस्से की हालत में हेडिंग रुख किया, मुंह किया टूवर्ड्स की तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक होम, हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर का। On the night of the migration, a tribal chief of the disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's house. हिजरत की रात, काफिरों के एक कबाइली सरदार अबू जहल ने शरीर गुस्से की हालत में हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर का रुख किया, यानी उनके घर की तरफ गया, उनके घर ही गया। देखो हिजरत की रात, काफिरों के एक कबाइली सरदार अबू जहल ने शदीद गुस्से की हालत में हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर का रुख किया। ही बिगेन, उसने शुरू कर दिया टू नॉक, खटखटाना, दस्तक देना एट द डोर, दरवाजे पर वायलेंटली शिद्दत के साथ जोर जोर से दोनों में से कोई। ही बिगेन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली, वायलेंटली उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, या आप ये भी लगा सकते हैं उसने
शुरू कर दी, दोनों ही ठीक। बस उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। आगे है भाई एड्रेसिंग मुखातिब होकर, अब हजरत अस्मा ने दरवाजा खोला तो दोनों ही दूसरे को देख रहे हैं, उसने क्या किया एड्रेसिंग हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अस्मा से मुखातिब होकर ही डिमांडिंग उसने पूछा, वेयर इज योर फादर, तुम्हारा बाप किधर है, यानी कैसे भैया तुम्हारे अबू किधर है, लेकिन जारी बात है गुस्से की हालत में है और एक को काफिर है तो गया था, उसने कोई कमीज का मुजाहरा नहीं किया होगा, उसने पूछा तुम्हारा बाप किधर, तो मैंने तर्जमे में भी ये लिखा है, वैसे आप यहाँ अबू भी लिख सकते हैं, लेकिन इस हालत में उसने अबू की तवक्को नहीं की जा सकती, एक तो वो काफिर है दूसरा वो गुस्से की हालत में, तो उसने यही पूछा तुम्हारा बाप कहाँ है। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुखातिब होकर उसने पूछा तुम्हारा बाप कहाँ है, इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में देखेंगे, इसके आखिर में सवाल का चांद बन जाता है, ये इन्वर्टेड कॉमा है और ये सवाल का चांद आप इसका लिखें, शी पोलाइट थी आपने नरमी से रिप्लाई जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता हो सकता, मुझे कैसे पता हो सकता, हजरत अस्मा ने आपने नरमी से जवाब दिया मुझे कैसे पता हो सकता है, यानी इस तरीके से गोल गोल का जवाब दिया, झूठ भी नहीं बोला और सच भी नहीं बताया, यदि आप देखें दादर गए आपके ऊपर मंदी का ना झूठ है ना सच है, गोल गोल सी बात है, आपने नरमी से जवाब दिया मुझे कैसे पता हो सकता, दिस रिस्पॉन्स ये जवाब जाहिर करता है विस्डम अकलमंदी को एंड करेज और हिम्मत को, और हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा की हिम्मत और अकलमंदी को जाहिर करता है, बहादुरी, यहाँ हिम्मत का तर्जुमा मैंने बहादुरी किया, ये जवाब हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा की दानाई, जैसे यहाँ अकलमंदी भी आप लिख सकते हैं और बहादुरी यहाँ पे आप हिम्मत भी लिख सकते हैं, तो जाहिर करता है ये जवाब हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा की दानाई या अकलमंदी और बहादुरी या हिम्मत वो जाहिर करता है। उसकी बात है शी डिडंट मेक अ स्टेटमेंट, उन्होंने कोई जवाब ना दिया, कोई बात ना की, दैट वुड गिव, जिससे उसको मिल जाता हिम अक्लू, कोई इशारा मिलता, कोई ऐसी बात भी ना की जिससे उसको कोई इशारे मिल जाए, उन्होंने कोई ऐसा बयान ना दिया स्टेटमेंट बयान जिससे उसे कोई इशारा मिलता, ऐसी गोलमोल की बात की कि वो बेचारा वो खुद ही चकरा कर गया कि ये मैंने पूछा क्या था मुझे जवाब कर दिया, मैंने उसे भी किया था मुझे कुछ सुराग मिलेगा और आगे से मेरे हिसाब से उसने ये कर दिया, उन्होंने कोई ऐसा जवाब बयान ना दिया जिससे उसे कोई इशारा मिलता, शी सिंपली पोज अ काउंटर क्वेश्चन, आपने महज एक जवाबी सवाल कर दिया, कोई आपसे सवाल करे तो आप जवाब भी नहीं दे, उसी से सवाल करें ना, अगला बंदे चकरा जाता यार ये क्या करते, उसने मुझे भी परेशान कर दिया, तो हजरत अस्मा ने भी यही, आपने महज एक जवाबी सवाल कर दिया, दैट इंफ्यूरिएटेड अबू जहल, जिसने अबू जहल को खतरनाक कर दिया, अब उसको गुस्सा चढ़ गया, गुस्से की हालत में पहले ही था लेकिन अब उसको मुझे गुस्सा, उसने थप्पड़ मारा के चेहरे पर, सो हार्ड इतने जोर से दैट हर ये आपकी कान की बाली कान बाली फेल ऑफ डूब जाता, लेकिन बट लेकिन शी रिमेन स्टेडफास्ट, लेकिन आप साबित कदम रही and did not reveal the secret, और राज को जाहिर ना किया, राज को जाहिर ना किया। अच्छा अब इसको देखते हैं, उसने हजरत अस्मा के चेहरे पर इतने जोर से थप्पड़ मारा के उनकी कान की बाली दूर जा गिरी
लेकिन वो साबित कदम रही और राज को जाहिर ना किया। He slapped her Asma's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. उसने हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के चेहरे पर इतने जोर से थप्पड़ मारा कि इनकी कान की बाली टूट जा गई, लेकिन वो साबित कदम रही और राज को जाहिर ना किया। एक मिनट की बिना सिर्फ ब्रेक है, आप हमारे साथ रहिएगा, मैं अभी आपसे रब्ता करता हूँ। एक मिनट आप खुद ही रह जाए। जी बेटा आवाज आ रही है आपको? आवाज का बेटा आपने बताया है कि आपको आ रही है, उसके बाद हम आपसे दोबारा रब्ता करते हैं। जी जी बेटा आवाज आ रही है आपको? जी एस के बेटा आपको आवाज आ रही है? आखिरी का कुछ नाइन साइंस पढ़ाई में होती है, ग्रीन में होती है, जो It is not good for very young babies. बहुत छोटे बच्चों के लिए ये दूध ठीक नहीं है। तो इसके हवाले से आपने मैसेज को पढ़ा, उसकी बात सुनिए, सवाल देखिए। तो कहते हैं इस द मिल्क कंटेंट्स पाउडर और लिक्विड, क्या डिब्बों में जो दूध होता है वो माया या लिक्विड होता है या पाउडर की फॉर्म में होता है? द मिल्क कंटेंट्स इस पाउडर, डिब्बों में जो दूध होता है वो पाउडर वाला। दूसरा, व्हाट बिकम्स वाटर इन द मिल्क, दूध में जो पानी होता है उसके साथ क्या होता है, उसका क्या बन जाता है? द वाटर इन द मिल्क इवेपोरेट्स, दूध के अंदर जो पानी होता है वो गुब्बारा बनके उड़ जाता है जिससे नीचे पाउडर है। व्हाट कम्स टू द टॉप ऑफ द मिल्क, फ्रेश मिल्क व्हेन इट स्टेज अ लिटिल इन अ डिश, जब एक ताजा दूध थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में रहता है उसके ऊपर क्या चीज आ जाती है? द थिक पार्ट ऑफ द मिल्क, दूध का जो मोटा हिस्सा होता है यानी बालाई, कम्स टू द टॉप, दूध के ऊपर आ जाती है। नंबर चौथे पे आ गए, व्हाट डज द थिक पार्ट ऑफ द मिल्क हैव इन इट, दूध का जो मोटा हिस्सा होता है उसके अंदर क्या होता है? द थिक पार्ट ऑफ द मिल्क हैज फैट इन इट, उसके अंदर चिकनाई होती है। नंबर पांचवें पे आ गए, व्हाट इज क्रीम, क्रीम क्या है? जवाब है क्रीम इज द फैट ऑफ द मिल्क, क्रीम जो है दूध की चिकनाई होती है, व्हिच कम्स टू द टॉप ऑफ इट, जो इसके ऊपर आ जाती है। नंबर छठे पे आ रहे, व्हाट डू पीपल मेक फ्रॉम क्रीम, लोग क्रीम से क्या बनाते हैं? पीपल मेक बटर फ्रॉम क्रीम, लोग क्रीम से मक्खन बनाते हैं। तो ये आसान सा इंटरेस्टिंग था, इसमें दूध के हवाले से बात की गई। सातवें पे आ रहे, बच्चों को कुछ नहीं कहना, एंड अदर सिविलियंस, और दूसरे शहरियों को कुछ नहीं कहना, बाकी रह गया।
यानी दुश्मन के सिर्फ उन लोगों से लड़ना है जो तुम्हारे साथ जंग करते हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं है। दे आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ अ सोसाइटी, वो किसी मुआशरे की असल ताकत है। ठीक है, आपने समझाया। दे शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, उनके साथ हमेशा नरमी और इज्जत और इहतराम के साथ पेश आना चाहिए। दिस वॉज समथिंग न्यू, ये चीज नई थी फॉर द कंकर्ड पीपल, मक्कू लोगों के लिए, जिन लोगों के ऊपर मुसलमानों ने सजा पाई थी उनके लिए ये चीज नई थी। गंदगी अजीब सी तो मुल्क है, हमारे साथ लड़ते हैं पहले और जब हम पे फतह पा लेते हैं फिर हमारे साथ अच्छा जरूर करते हैं, ये अजीब सी मक्कू है, ये लोग बहुत अच्छे हैं। वो मुसलमान हु फेल्ट वेरी हैप्पी नाउ, जिसको उन्होंने बहुत खुशी महसूस करते हैं, बहुत खुश है। ईरानियन एंड बेजेंटाइन ऑफिसर्स, ये उनकी अपनी कौम के फ्राड है, ईरानी और बाइजेंटाइनी जो ऑफिसर होते थे वर वेरी हार्ड ऑन देम, उनके ऊपर बड़े सख्त थे, उनकी अपनी कौम के जो अफसर थे उनके ऊपर बड़े सख्त थे, जुल्म करते थे और मुसलमानों के साथ बहुत गुस्सा सलूक किया। हजरत खालिद बिन वलीद ट्रीटमेंट, हजरत खालिद बिन वलीद के सलूक ने वन देयर हर्ट्स, उनके दिलों को जीत लिया सो मच, इतना ज्यादा दैट दे बिकेम देयर देम ओल्ड ओल्ड मास्टर, पुराने कालिम आकाओं से नफरत करते, अपनी कौम के लोग क्या लगे थे लेकिन जालिम थे तो नफरत करने लगे और मुसलमानों से तो बहुत प्यार होता गया, नतीजे के तौर पर वो भी मुसलमान हो गए। उस वाले से कह रहा है अल्लाह ने देखे इसका सवाल क्या, हाउ डिड हजरत खालिद बिन वलीद ट्रीट द पीपल, कहता हजरत खालिद बिन वलीद लोगों से कैसा सलूक करते। अपने पहले कहा इसका जवाब बंदे, हजरत खालिद बिन वलीद वाज वेरी काइंड एंड जस्ट टू देम, उनके साथ बड़े नरम थे और बड़े इंसाफ करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट वर द ऑर्डर्स, द ऑर्डर्स गिवन टू द आर्मी, फौज को क्या अहकाम दिए गए थे। ही हैड ऑर्डर्ड हिज आर्मी, आपने जिस फौज को हुक्म दिया था, नॉट टू हार्म द फार्मर्स, किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना, और इसमें तस्वीरें और शहरियों को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये तो कुछ नहीं। What did he say about the farmers and civilians, किसानों और शहरियों के मुतालिक आपने क्या फरमाया। He said, आपने फरमाया, आगे बुलेट फॉर्मर्स में है, They are the real strength of society, वो माशरे की असल ताकत, असल नंबर फोर पे आ रही। How had their former masters treated them? उनके साबिक आका उनसे कैसा सलूक करते थे? Their former masters had been hard on them. उनके जो साबिक आका थे वो उनके साथ बड़े सख्त। How did Hazrat Khalid bin Walid win the hearts of the cultured people? Hazrat Khalid bin Walid ने उन फतह मफ़्तूह लोगों के जिनके ऊपर दिल कैसे जीत लिए? He won their hearts with kindness, नरमी से, शफ़क़त से, अच्छे सलूक से उन्होंने उनके दिल जीत लिए। सवाल नंबर छः है, Why did the people hate their old master? लोग अपने पुराने आकाओं से नफरत क्यों करने लगे? The people hated their former master for their unkind treatment, उनके नारवा, उनके गलत, उनके नाजायज सलूक की वजह से वो लोग अपने साबिका जो आका थे, उनके जो सरदार थे, उनसे नफरत करने लग पड़े। तो बेटा हमारे पास आज के लिए दो पैराग्राफ्स हैं, आपने दोनों को तैयार करना है, और सबक के हवाले से हमारे पास चौथा पैराग्राफ है।